हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं सीएसएस के बारे में। काफी डिस्कशन अभी हमारा सीएसएस के बारे में हुआ, काफी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने सीएसएस के देख लिए हैं। टाइप्स ऑफ सीएसएस क्या होते हैं, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, बॉर्डर स्टाइल किस तरीके से चेंज करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से आप शॉर्ट हैंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज उसी कॉन्सेप्ट में हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, आउटलाइन। इट इज मोस्ट ऑफ द सिमिलर लाइक योर बॉर्डर प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपको किसी टेक्स्ट की बॉर्डर चेंज करना है या बॉर्डर स्टाइल सेट करना है, तो एक ऑप्शन तो हमने देखा बॉर्डर, लेकिन सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी वी कैन ऑल्सो परफॉर्म यूजिंग आउटलाइन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम आउटलाइन को भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक नई HTML फाइल क्रिएट करता हूं, एंड दिस इज टेस्ट आउटलाइन डॉट HTML, ठीक है। और यहां पर हमने सिंपल कुछ टेक्स्ट ले लिए हैं /HTML एंड देन हेड, ठीक है, /head, और फिर हमने लिया यहां पे टाइटल और /title, ठीक है। टाइटल और /title के बीच में यहां पर हमने टाइटल दे दिया कि दिस इज डेमो ऑफ आउटलाइन, ठीक है। और ये हमने HTML के बाद यहां पे बॉडी टैग ले लिया, ठीक है। और ये सब हमारे बेसिक टैग्स हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी HTML और CSS पेज, ठीक। तो ये मेरा हेड टैग है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करनी है, और उसके बाद उस क्लास का इफेक्ट हम देखेंगे कुछ टेक्स्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास डिफाइन की है फॉर आउटलाइन। तो आई होप यू नो दैट कि क्लास हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लास ली है डिस्प्ले के नाम से, डिस्प्ले, और यू कैन से दैट आउटलाइन, जो भी आप नाम रखना चाहें। तो ये मुझे सबसे पहले स्टाइल टैग लेना है, और स्टाइल और स्लैश स्टाइल के बीच में हमने यहां पर एक क्लास डिफाइन की है विद द डॉट, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया सपोज डिस्प्ले। एंड लेट्स सी, अगर इस डिस्प्ले पे मुझे आउटलाइन प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो हियर वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड आउटलाइन, ठीक है, कि आपको आउटलाइन की विड्थ कितनी रखना है। ये आप शॉर्ट हैंड के साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा आउटलाइन विड्थ इज सपोज 5 pixels, ठीक है। देन सेकंड आउटलाइन स्टाइल, कि आपको आउटलाइन स्टाइल क्या रखना है। तो यहां भी हमें सिमिलर वही स्टाइल मिलती है जो हमें बॉर्डर के लिए मिलती है, ठीक है, कि मान लो मुझे बॉर्डर डबल रखना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आउटलाइन कलर, कि आपको आउटलाइन कलर क्या रखना है। तो सपोज मैंने बोल दिया बॉस आउटलाइन कलर इज ब्लू वायलेट, जो भी कलर आप रखना चाहें। मैंने आपको कलर के लिए एक ऑप्शन ये भी बताया था कि यू कैन ऑल्सो यूज दिस कलर फ्रॉम द गूगल, आप गूगल पे जाके कलर सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने गूगल पे यहां पर लिख दिया, ठीक है, HTML कलर कोड, ठीक। तो यहां से भी आप कलर लेके आ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सेट द कलर फ्रॉम हियर। कि सपोज अगर आपको ये कोई कलर सेट करना है समथिंग लाइक दिस, आप इसको इस तरीके से यहां पर ला सकते हैं, ठीक है, और आपको ये कलर सेट करना है, तो जस्ट यूज दिस कलर, कॉपी दिस, क्योंकि ये कलर क्या होते हैं, मैंने आपको बोला था हेक्साडेसिमल कोड होते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस कलर हियर, कि आप इसकी जगह यहां पर उस कलर को पेस्ट कर दीजिए जो हम कॉपी करके लाए। तो सी दिस वन, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इन योर बॉर्डर। तो ये डिपेंड करता है कि आप कलर को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ओके। तो अब आप देखिए, अब यहां पर सपोज मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, और टेक्स्ट सपोज मैं यहां से ले लेता हूं कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है। सपोज दिस इज द टेक्स्ट वी हैव, ये मैंने बॉडी में टेक्स्ट ले लिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है इस पर, ठीक है, अभी इस टेक्स्ट को हम देखें, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। मैं इसको डिवीजन टैग में ले लेता हूं फिलहाल, ठीक है, और डिवीजन और स्लैश डिवीजन के बीच में। अभी हम इस टेक्स्ट को अगर देखें, तो ये मेरा एक टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट पे अभी अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इफेक्ट आई एम गेटिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, राइट। इसको अगर हम फुल में ले लें, तो ये है आपका टेक्स्ट, राइट। तो ये टेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूं, इफ आई कैन टेक इट इन सेंटर, तो हमने सेंटर टैग ले लिया, और इस सेंटर टैग को हमने लास्ट में क्लोज कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ टू यूज दिस सेंटर टैग, राइट। तो अब इसको अगर मैं देखता हूं, तो ये टेक्स्ट मुझे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। बट अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट पे
आउटलाइन इफेक्ट लेके आना है, ठीक है। मैं टेक्स्ट पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह तो चेंज कर सकता हूँ, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, कि आप जो आपका जो पैराग्राफ है आप उस पैराग्राफ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया सपोज स्टाइल फॉन्ट साइज 25, ठीक है, देन आई चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, ये मैंने कर दिया सपोज ब्राउन। तो ये तो मेरा फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है जो हमने इनलाइन टेक्स्ट के थ्रू किया है। लेकिन अब अगर मुझे इस पे सपोज लेके आनी है बॉर्डर अगेन आउटलाइन, तो यहां पर हम इस डिवीजन टैग में हियर आई एम गोइंग टू यूज क्लास, और क्लास हमने किस नाम से बनाई है, डिस्प्ले। तो यदि आप इस डिस्प्ले क्लास को कॉल करते हैं सो दैट यू विल गेट इफेक्ट ऑफ दिस ऑनलाइन सॉरी इफेक्ट ऑफ दिस आउटलाइन इन दिस टेक्स्ट, सी दिस वन, याद देखिए। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स जो हमने बॉर्डर को यूज किया था लास्ट टाइम, मैंने आपको बॉर्डर का कॉन्सेप्ट बताया था, बट द सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन ऑल्सो परफॉर्म विद आउटलाइन। तो यहां पर आप देखिए अभी मैंने आउटलाइन को यूज किया तीन अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ, बट जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट हैंड, तो मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। आउटलाइन मैंने बता दिया 5 pixels, ठीक है, एंड देन डबल 5 pixels, देन डबल, एंड देन सपोज आपने बता दिया रेड, ओके। तो अब यहां पर आपको ये तीन प्रॉपर्टी के बजाय सिंगल प्रॉपर्टी लिखना है विच इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। यहां पर अगर आप कर्सर को थोड़ी देर के लिए रखेंगे वीएस कोड में, तो इट शोज यू दैट इट इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ आउटलाइन स्टाइल आउटलाइन विड्थ आउटलाइन कलर। तो आपने ये बता दिया कि आपको किस किस शॉर्ट हैंड के लिए, आपने ये शॉर्ट हैंड किस पर्पस के लिए लिया है, सो दैट यू विल गेट सच टाइप ऑफ इफेक्ट। तो शॉर्ट हैंड को यूज करके अगर मैं आउटलाइन को यूज करके अगर मैं बॉर्डर लेके आता हूं, या फिर मैं बॉर्डर को लेके आता हूं जो हमने बॉर्डर स्टाइल देखी थी, बोथ शोज द सेम इफेक्ट, बट वी हैव अ टू चॉइस कि हम किसी भी आउटलाइन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए अभी मैंने जो डबल लिया है, इंस्टेड ऑफ डबल आई कैन गो विद दिस सम अनदर प्रॉपर्टी, यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज ले सकता हूं डॉटेड, आई विल गो विद दिस डॉटेड, सो मुझे इफेक्ट यहां पे डॉटेड का मिल जाएगा। तो आप किसके लिए प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, आप शॉर्ट हैंड किसके लिए बना रहे हैं, दैट यू कैन डिसाइड। कि मुझे अभी तो शॉर्ट हैंड सेट करना था वो विड्थ के लिए करना था, स्टाइल के लिए करना था, कलर के लिए करना था, सो आई कैन सेट दिस प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट हैंड आप केवल आउटलाइन के लिए नहीं, शॉर्ट हैंड तो हम किसी भी स्टाइल के लिए यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बॉर्डर स्टाइल लाने के मेरे पास मल्टीपल चॉइस है, आई कैन गो विद द बॉर्डर ऑप्शन और आई विल गो विद दिस आउटलाइन ऑप्शन। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम पेज पे आउटलाइन को लेके आ सकते हैं, हाउ टू सेट आउटलाइन इन द पेज, ओके। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको प्रैक्टिकल के साथ इंप्लीमेंट करके देखिए, और यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, और यदि नहीं है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि CSS इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू इंप्लीमेंट, और यू क्रिएट योर पेज मोर डायनेमिक मोर इंटरेक्टिव, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।